सो हेलो एवरी वन, आई एम शिवानी वर्मा एंड यू वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, एक या डेढ़ महीने हो गए। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये कंप्लेन आई थी कि आप इस मंथ वीडियो क्यों नहीं डाले, तो फाइनली मैं आज टाइम निकाल के ब्लॉग बना रही हूँ। आज मेरे ऑफिस का ऑफ है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट कर लूँ। तो इस ब्लॉग में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस। तो गाइस, अभी 11 बज रहे हैं और मैं 10 बजे उठी हूँ सो के। बहुत मज़ा आता है मुझे सोने में, और ठंडी भी आ रही है तो और मैं सोऊंगी मज़े से, लेकिन सो नहीं पाऊँगी। अब तो मेरी जॉब लग गई है तो मैं कहाँ ही सो पाऊँगी। तो अभी मैं चाय पी ली हूँ, दूध नहीं था, पानी का चाय पी हूँ, और जा रही हूँ ब्रश करने। फिर घर का सफाई भी करना है मुझे, हफ्ते में मुझे टाइम मिलता है घर का सफाई करना, तो मैं घर का सफाई करती हूँ। तो गाइस, मैंने झाड़ू लगा दिया और घर को पूरा साफ कर दिया है, आप देख सकते हो। मोपिंग मैं बाद में करूँगी। और देखो ये मेरा रूम कितना अच्छा लग रहा है, बेड। अब टाइम है किचन की सफाई करने का। झाड़ू तो मैंने नीचे से लगा दिया, लेकिन ये आप देख सकती हो। हफ्ते में मुझे जब भी टाइम मिलता है सफाई करने का, कभी भी, मैं बहुत ही अच्छे से सफाई करती हूँ। सफाई करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन साफ रहना भी चाहिए। अगर मैं सफाई करूँगी और गंदा कर दे कोई, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं नहीं करती, छोड़ देती हूँ। वैसे ही साफ जितना रहेगा मैं उतना ही सफाई करती हूँ। ये मेरे सासू जी ने भिजवाया था फल छठ पूजा के लिए, लेकिन मैंने अभी तक खाया नहीं है। सेव मुझे खाना पसंद नहीं है, और अनार को खाने के लिए छिलना पड़ता है। संतरा मुझे पसंद है, केला पसंद नहीं है, तो फिर भी मैं इसे खाऊंगी क्योंकि ये छठ पूजा का प्रसाद है, तो खाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो, ये है स्वीट केक, मीन्स ठेकुआ बिहारी लैंग्वेज, तो इसे भी मैं खाऊंगी। और मैं रोज़ खाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है। मेरी मम्मी भी बनाती थी ठेकुआ छठ पूजा में, लेकिन इस बार हमारा छठ पूजा नहीं हुआ क्योंकि मेरी मम्मी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब था, तो छठ पूजा नहीं हो पाया। और हम लोग को बहुत वो भी लगा कि यार पहले टाइम ऐसा हुआ है, लेकिन मम्मी का हालत बहुत ख़राब था इस बार, और उनकी इतनी तबीयत खराब थी कि हम लोग सारे भाई बहन बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन मम्मी अभी ठीक है मेरी, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। हमारे पास भले कुछ भी ना रहे, लेकिन माँ का रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वी ऑल आर हैप्पी। चिकन बोल रही हूँ मैं, किचन मैंने साफ कर दिया, बर्तन वगैरह भी धुल लिए हैं, सारा काम हो गया, थोड़ा सा बाकी। तो मैं खा रही हूँ ठेकुआ, क्योंकि अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, और मैंने सोचा था पूजा कर लूँगी 12 बजे तक, लेकिन 12 बज चुका है, तो मैं सोची चलो खा ही लेती हूँ, शाम को मैं नहा धोकर पूजा कर लूँगी। तो ठीक है, मैं नाश्ता कर रही हूँ, फिर बनाऊँगी मैं कुछ खाना अच्छा सा। गैस मुझे हफ्ते में एक दिन ही मिलते हैं कि मैं घर की भी सफाई करूँ, चीज़ों को देखूँ, अपने कपड़े वगैरह जो होते हैं वो धुलूँ, और अपने हेयर का भी केयर करूँ, स्किन का भी केयर करूँ, बॉडी का भी केयर करूँ। तो ये एक दिन में मैं कैसे मैनेज करती हूँ, ये सारा वीडियो शेयर आप लोगों के साथ करूँगी मैं। बहुत ही ज़्यादा टफ होता है एक ही दिन में सारा चीज़ करना, लोगों को एक हफ्ते चाहिए सब करने के लिए, लेकिन मैं ये एक दिन में करती हूँ, वो भी आधे दिन में। तो आप लोगों के साथ ही पूरा शेयर करूँगी मैं कैसे मैनेज करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे अपना स्किन भी सही रखना है, हेयर भी सही रखना है, सारी चीज़ें सही रखनी है, घर भी साफ रखना है, कपड़े भी चाहिए, 2-3 कपड़े हैं जो कि वही रेगुलर पहने हैं। और जब मैं वर्क पर जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं स्किन केयर करूँ, बॉडी केयर करूँ, हेयर केयर करूँ, या फिर उस दिन कपड़े धुलूँ, या फिर उस दिन झाड़ू लगाऊँ। बहुत ही मुश्किल से मैं झाड़ू जरूर से लगाती हूँ और पूजा भी नहीं कर पाती। तो मैं एक दिन में कैसे मैनेज करती हूँ सब चीज़ मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। कचड़ा वाला आ गया है, कचड़े की गाड़ी आती है, सरकारी गाड़ी है कचड़े वाली। तो मैं बालकनी से 3rd फ्लोर पे कचड़ा फेंकती हूँ। तो अभी बहुत दूर है और गाना बजाते बजाते आता है, और एम्बुलेंस जैसे उसकी हॉर्न बजती है, तो पता चल जाता है कि कचड़े की गाड़ी आ रही है। तो सारे लोग जितने भी हैं कचड़े फेंकने वाले, सब लोग पॉलिथीन में बांध देते हैं और ऊपर से उसे फेंकते रहते हैं। मेरी कभी कभी जो होती है कचरा सही जगह नहीं जाता, नीचे गिर जाता है, तो मैं ऐसे हट जाती हूँ, कोई देखे ना, कभी कभी मैं डांट भी सुन लेती हूँ, लेकिन मैं फिर भी सही जगह फेंकने की कोशिश करती हूँ और फेंकती भी हूँ। तो गाइस मनी प्लांट है, कितना ये बड़ा हो गया है और अच्छा सा लग रहा है। मुझे पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मेरी मम्मी ने लगाया था, और मैं सोचती हूँ कि और भी 2-3 पौधे ला के अच्छे अच्छे, जो कि
पॉजिटिव एनर्जी देते, पॉजिटिव वाइब्स देते, तो उन्हें लाके रखूं। ये मेरी मम्मी ने लगाया था, लेकिन मुझे पौधे लगाने नहीं आते, लेकिन मैं लाके रखूंगी और मम्मी आएगी तो अच्छे से लगाऊंगी। गाइज, मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मैंने कैंडल्स खरीदे थे मार्केट 99 से, और इसकी फ्रेग्रेंस स्ट्रॉबेरी जैसी है, बबल गम जैसी, और इसकी फ्रेग्रेंस रोज जैसी है। तो मैं जब मुझे सोना होता है या शाम के टाइम, या मैं ज़्यादा खुश होती हूँ या मुझे कुछ अच्छा सोचना होता है, तो मैं ये जला देती हूँ और मेरा रूम एकदम गुलाब जैसा या बबल गम जैसा होने लगता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स यूज़ करो, कभी कभी ट्राई करो, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। गाइस, मैंने कपड़े कल धो दिए थे और ये कपड़े बचे और मेरे स्क्रंचीज हैं, तो इसे मैं धोऊंगी, और ये भी बचा है कपड़ा तो इसे भी धोना है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, कपड़े धोने, और अपना हेयर पे मैं आज बी ब्लंड का मास्क लगाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें हिट हेयर कैप है, जो कि मैं चाहती हूँ कि बहुत दिनों से मैं अपना हेयर स्पा करवाना चाहती थी, तो मैंने सोचा एक बार घर पे ट्राई करूँ, पार्लर में 500-600 रुपए देने से अच्छा एक बार घर पे ट्राई करूँ कि हेयर स्पा कैसा रिजल्ट देता है। बी ब्लंड का है ये, सैलून लाइक हेयर स्पा। इसके दो स्टेप है, इंटेंस साइन हेयर मास्क, आपको हेयर मास्क अप्लाई करना है, ऊपर वाले पैकेट में दिया है, वन टाइम यूज के लिए है ये, और सेल्फ हीटिंग कैप, आपको मास्क लगा के हीटिंग कैप लगा लेना है। ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले मुझे अपना मैं जा रही हूँ नहाने और मुझे अपना हेयर वॉश करना होगा, उसके बाद मैं ये हीटिंग कैप यूज करूंगी, हेयर स्पा करूंगी अपने हेयर का, और मुझे जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि मुझे सरोजनी भी जाना है। तब तक मैं गाना बजा लेती हूँ, इससे मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है। आप भी ऐसा ही करते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहा किसको किसको गाना बजा के काम करना पसंद है, कुछ भी करो गाना बजा दो अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर ही बताना। बहुत से लोग पूछते हैं मेरे हेयर देखे कि आपके हेयर इतने अच्छे कैसे हैं और मैं क्या करूँ कि हेयर और अच्छी हो, तो सबसे पहली बात कि हेयर पे ध्यान कम दो। यस, जिस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो ना वो ज़्यादा चीज़ खराब होती है, स्पेशली हेयर। तो हेयर पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बस आप काम ये करो कि ऑयलिंग ज़्यादा मत करो अपने हेयर पे, और जब आप नेक्स्ट डे जब आप हेयर वॉश करने हो तो आप उससे एक दिन पहले रात को हेयर में ऑयलिंग कर ले। तो मैंने रात को हेयर में ऑयलिंग कर लिया था और अभी सुबह मैं हेयर वॉश कर रही हूँ। पानी मैंने गर्म होने को रख दिया है क्योंकि ठंडे के दिन आ गए हैं, तो थोड़ा सा पानी से नहाती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है इसलिए। तो आप लोग भी ये रूल फॉलो करके जरूर देखना एक बार, आपके भी हेयर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, और ज़्यादा हेयर मत करूँ तो हेयर और झड़ेंगे और खत्म हो जाएंगे। गाइस, अभी कचरा फेंक के आई हूँ, बहुत डर लग रहा था, बहुत टाइम हो गए थे, देखो अभी उसी की हॉर्न बज रही है कचरे वाले की, बहुत टाइम हो गए थे कचरा फेंके हुए, तो डर लग रहा था कि निशाना लगेगा कि नहीं लगा, लेकिन थैंक गॉड कि निशाने पे कचरा चला गया डब्बे में, क्योंकि वहाँ भीड़ लगी हुई थी और किसी के सर पे गिर जाता तो मुझे डांट सुननी पड़ती, तो सही जगह गया थैंक गॉड। गाइस, मैंने नहा लिया है और अपने बाल को थोड़ा ड्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये बी ब्लंट का हेयर स्पा। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो रिजल्ट देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और वेबसाइट पे भी देखा था तो इसके रेटिंग बहुत ही अच्छे थे और सभी लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है, तो आज मैं लाइव दिखाती हूँ आप लोगों के साथ और खुद भी देखती हूँ। तो गाइज, आपको हीट हेयर मास्क लगाने से पहले आपको अपने हेयर को अच्छे से शैम्पू और कंडीशनर से क्लीन कर लेना है, मैंने क्लीन कर लिया है, और थोड़ा सा बालों को ड्राई कर लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और आपको बाल अपने सुलझा लेने हैं, मैंने सुलझाया नहीं है, वैसे ही सुलझे हुए थे, मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए क्योंकि मैं थोड़ा मास्क यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। देन अप्लाई करना है आपको हेयर मास्क, आपको वन टाइम के लिए ही इसमें मिलेगा, कितने भी लंबे आपके हेयर हो आपके हेयर में ये वन टाइम के लिए हो जाएगा, और ये आपको पूरे अच्छे से कैप लगा लेना है। ओह माय गॉड, ये सच में हीटिंग फील हो रहा है गाइस, सच में हीट हो रहा है, ये अमेजिंग, इट्स वेरी अमेजिंग, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करो, लेकिन पहले देख लो कि हेयर कैसा हो जाता है कैप हटाने के बाद, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तब आप लोग सच में ज़रूर से यूज़ करना। पार्लर में क्या ही आप जाके 500-1000 रुपये दोगे, मुझे तो कंफर्म नहीं पता कि पार्लर में कितना लेते हैं हेयर स्पा का, लेकिन दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा लेते होंगे आई नो। तो आप लोग अपने खुद से करो, ऐसे आप लोग को भी आ जाएगा और आप लोग घर पे ही कर लोगे। हीट मास्क को अपने सर में लगा के छोड़ दो और जो भी आपको काम बचा हो वो आप अपना पहले कर लो। मैंने अपने कपड़े को धोने के लिए पानी में डाल दिए हैं ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, देन मैं उन्हें धो लूंगी और इसे मैं बाद में धो लूंगी। और मुझे सरफ का पैकेट खत्म हो गया, मुझे चीज़ें ख़त्म करने में बड़ा मज़ा आता है कि मैं किस चीज़ को कब ख़त्म करूँ और कब नया खरीदूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने
मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बनाऊंगी भिंडी की भुजिया और करी और चावल। ये भिंडी मैंने पावर 10 रुपए में ली है और थोड़ा सा आगे एक और जो लगाया था सेल्समैन वो 20 रुपए का पावर दे रहा था। यहाँ पे बहुत चोर है, लूटते हैं सब बहुत, तो ध्यान से शॉपिंग करना दिल्ली में। तो मैंने हेयर को वॉश कर लिया और भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है। खाना बन रहा है, भुजिया बन गया और कड़ी बन रहा है, फिर चावल बनाना है, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये मैंने डॉटेनी का लिप ग्लॉस लगाया है, लगा लेना चाहिए सर्दियों में, इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए नहीं तो ड्राई हो जाएंगे और लिप्स ज़्यादा फट जाएंगे। मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ फटाफट। गाइस मेरा स्किन केयर हो गया, मैं रेडी हो गया और हेयर सूख रहा है अभी, और इसका रिजल्ट बाद में पता चलेगा कि कैसा हुआ। तो और चावल बन रहा है तो मैं थोड़ा और रेडी हो जाती हूँ। गीले बालों को और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैं लगा रही हूँ हेयर सीरम, ट्रेस्मी का है ब्राउन वाला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं बस लेंथ पे लगाती हूँ। और मेरा खाना अब बन गया है, दोपहर का चावल भुजिया और करी, साथ में मैंने लिया रेडिस, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, तो खाने में कितना ही टेस्टी होगा। ये मेरा फेवरेट और सिंपल खाना। रेडी हो गई हूँ जाने के लिए और ये आप लोग देख सकते हो गाइस। ये मैंने सोचा होगा आपने इतना ये टी शर्ट क्यों पहना, हमेशा मैं थोड़ा अलग टाइप का पहनती हूँ, हाफ स्लीवलेस पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो गाइस जॉब पे मेरा सिर्फ ब्लैक ही कपड़ा चलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जा सारे इतने सारे कलर वाले कपड़े एक ही दिन पहन लूँ। तो ये मैंने बहुत दिन बाद बूट्स पहना है और ये मैं रेडी हूँ और मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ, तो मैं अब चलती हूँ। अब मैं आ गई हूँ मेट्रो में और यहाँ पे सारे लोग वो जीव रहते हैं जो पूरे मोबाइल में घुसे रहते हैं, जैसे कि होता है कि मेट्रो में घुसते ही मोबाइल में घुस जाना है। देन ये पूरा हो गया, सेक्टर 21 तक जाते जाते मेट्रो एकदम ऐसी हो जाती है खाली। और ये क्या हो रहा है, ये नवंबर के महीने में इतना धूप क्यों है, इस टाइम तो बहुत ठंडी पड़ने लगती थी, हम स्वेटर पहन के घूमते थे, लेकिन ये धूप उफ। अब टाइम आ गया है निकलने का और मैं मेट्रो चल ही रहा है, तब तक मैं आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ कि निकल के जाना ना पड़े और टाइम की भी बचत हो जाए। फिर भी रुकना ही पड़ता है क्योंकि मेट्रो जल्दी रुकती नहीं है अपने हिसाब से। तो मैं निकल गई और आ गई हूँ सेक्टर 9 और ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तो इन्हें और भी मैंने अपने तरीके से वेट कराया क्योंकि ये हमेशा मुझे वेट करवाते हैं, तो मैंने भी अपना तरीका आजमाया और इन्हें वेट कराया। देन हम लोग आ गए और मैं बैठ गई गाड़ी में, अब हम लोग तैयार हैं सरोजनी जाने के लिए। चैन को बहुत ही भूख लगी थी तो हम लोग सरोजनी पहुंच के हम लोग खाए दही भल्ले, यहाँ के बहुत ही टेस्टी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। तो गाइस सरोजनी में स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही अच्छे अच्छे स्वेटर कलेक्शन और बहुत ही कम प्राइस में, तो आप लोग जल्दी शॉपिंग करने आ जाओ। मैंने पहले ख़रीदा फ़ोन कवर्स, बहुत ही अच्छा ब्लैक में, देन आप ये कोट्स देख सकते हो, बड़े बड़े 400 में मिल जाएंगे आपको इतने अच्छे अच्छे कोट्स और बहुत सारे ऑप्शन। देन हम लोगों ने ख़रीदा बूट्स, मैं ज्योति चैन तीनों ने ख़रीदा और वो भी 350 में मिल गए। देन हमने लिए कार्गो पैंट्स तीनों अपने लिए और सबके हाथ भरे हुए थे, आप देख सकते हो, थैला किसी ने नहीं लिया था लेकिन सबके हाथ भरे हुए थे। देन हम लोग पहुँचे अपने कार में, घर जाने के लिए रात हो चुकी थी और मुझे तो सारी गाड़ियाँ एक ही जैसी लगती है, पता नहीं ये लोग कैसे अपनी गाड़ी पहचान लेते हैं। देन हम लोग निकल गए घर के लिए। ब्लॉग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, कमेंट में ज़रूर बताना जो भी आपका मन हो। Now it's time to bye bye and take care. मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर और मैं अब जा रही हूँ घर, इतनी सी है मेरे सामान। बाय बाय गाइज़।